नमस्कार ओम शांति कवि और उसकी कृति में मित्रों आपका स्वागत है मित्रों कविताएं मुझे बहुत अच्छी लगती हैं शेर शायरी भी मुझे बहुत अच्छी लगती है इसीलिए शायद इस प्रोग्राम का नाम कवि और उसकी कृति है क्या सोचकर जिसने इस प्रोग्राम का नाम रखा मुझे नहीं पता लेकिन मुझे बहुत पसंद आया उम्मीद है कि आपको भी बहुत पसंद आ रहा होगा और आता ही रहेगा क्योंकि हम आपके सामने अलग अलग कवि लेकर आ रहे हैं उनकी कविताएं लेके आ रहे हैं जो आपके जीवन को भाव एक भाव पूर्ण कर देता है अपने आपके जीवन की सफलताओं को पूर्ण कर देता है आज हम फिर से आपके समक्ष लेकर आए हैं उस मेहमान को जो हिमाचल प्रदेश पठानकोट से पधारे हुए हैं यशपाल शर्मा जी उनकी चिराग बुक में से ली हुई एक कविता जिसका नाम है गीतकार और गायक गीतकार भी अनेक हैं, गायक भी अनेक हैं उनके गीत भी अनेक हैं और जो गाते हैं उनके सुरताल भी अनेक हैं लेकिन कवियों की भाषा ही कुछ अलग है कवियों की जीवन शैली ही कुछ अलग है जीवन यात्रा ही कुछ अलग है गीतों से हम अपने मन को कुछ समय के लिए बहला लेते हैं उसको अपने समय के अनुसार चला लेते हैं लेकिन कविता हमारी जिंदगी में हमेशा हमेशा के लिए हमारे साथ चलती है आइए मैं आपका और आप मेरे उस मेहमान का स्वागत करते हैं। यशपाल जी आपका बहुत-बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपका ही धन्यवाद करता हूँ आपने मुझे अपने स्टडी में बुला करके कुछ कहने का मौका दिया जी आज आपकी चिराग किताब में से गीतकार और गायक हम कविता ले रहे हैं जी मैंने इसमें पढ़ा बहुत आप ने एक शब्दों को एक एक शब्दों को ऐसे ऐसे लिखा है जो जिस तरह से कोई गीतकार अपने शब्दों में एक भाव डाल देता है उसी तरह से आपने इस कविता में भी अपने मुझे लगता है कि पूरा भाव इस कविता में डाला हुआ है क्या कहना चाहते हैं आप गीतकार और गायक के बारे में सरस्वती नहीं जी जी ऐसा अपना जादू बखेरा है के आदमी के जीवन में आने वाली अनेकानेक मुसीबतें कठिनाइयां ठोकरें अभाव उनको पल भर के लिए भुलाने के लिए गीतकार गायकों की और कवियों की रचना की गीतकार जो हैं वो गीत लिखते हैं एक दर्द के साथ जैसा गीत है जैसा वातावरण है वैसा वो गीत लिखते हैं जैसा भाव उनके मन में एक उबरता है एक एक सावन की बदली की तरह वैसे वो गीत लिखते हैं जी, उनमें पीड़ा जनक भी हैं उनमें भजन भी हैं और जैसा गीत वो लिखते हैं गायक वैसा गाता है उसका संगीत उसके साथ बैठता है जैसे एक स्त्री के लिए चाहे कितनी भी खूबसूरत है जी, उसके श्रृंगार की उसे जरूरत है वो सोलह श्रृंगार करती है तो वही वो ऐसे लगती है कि जैसे अप्सरा उतरी हो पहले ही अप्सरा जैसी थी किंतु जब वो सोलह श्रृंगार कर लेती है तो और भी मनमोहनी बन जाती है ऐसे ही संगीत जो है वो गीतों का श्रृंगार करते हैं जब संगीत साथ बजता है तो गीत का जो स्वर है वो एक तरह का उनका श्रृंगार हो जाता है और हर एक का मन मोह लेते हैं क्या बात है बात सुनते सुनते जैसा गीत है या गायक है उसमें भाव है उसमें तार चढ़ाव है तो भजन सुनते हैं तो हमारी तार जो है ईश्वर के साथ जुड़ जाती है इसे हम उपनिषद में उद्गीत कहते हैं कि जब कोई चीज गा के ईश्वर के प्यार में जब हम गाते हैं तो जो जो, जो, जो जितनी चितवृत्तियाँ हैं वो एकीकृत होकर के ईश्वर के साथ जुड़ जाती हैं और ईश्वर और वो आ, वो एक हो जाते हैं एक तार उनमें ऐसी जुड़ती है ईश में नर और नारायण में या शेब और आत्मा में को फर्क नहीं रहता जी जी हाँ। जी 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 मतलब गीत एक ऐसी चीज है जो समय काल तक चलता है हाँ आप का भाव मुझे जहाँ तक ऐसा लगता है कि हाँ। वो समय काल तक हाँ। चलता रहता है आइए आपकी पंक्तियां पढ़ते हैं हाँ। कविता की पंक्तियां इस प्रकार है गीतकार और कवियों के गीत गायक गाते हैं शब्दों को अपने सुर ताल में स्वर लहरी पर चढ़ाते हैं हर शब्द है धारण करता अपना सुंदर रूप आकार काले अक्षर भैंस बराबर अपना दिखलाते चमत्कार वही शब्द काले अक्षर भैंस बराबर अनपढ़ आदमी देखता कहता उसकी समझ से बाहर की बात है हम्म सिंपल शब्द जैसे मेरे इसी चिराग नाम का जो मेरा काव्य संग्रह है इसके बीच में है जी। अगर यही को कवि अगर यही अगर को गाए का गाएगा और उसके साथ संगीत देगा तो यही अपने आप में कमाल कर देगा जी, जी 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 ऐसे ही मीरा के भजन है कि मीरा के भजनों को जब आदमी सुनता है तो टूटी हुई जो हमारी एक लग्न है एक वृत्ति है एक चित्तवृत्ति है वो भगवान कृष्ण के, के साथ जुड़ जाती है तो मीरा के जब भजन सुनते हैं या कबीर के भजन सुनते हैं या रास के हम सुनते हैं या हम गुरु ग्रंथ साहब के शब्द सुनते हैं तो आदमी अपने आप को भूल जाता है और स्वयं वो भूल करके ईश्वर के साथ अपने आप को मिला लेता है। क्या बात है बहुत अच्छा है कागज पर जो लिखे हुए शब्द लगते हैं बेकार गायक के स्वर लहरी चढ़ वही करे आनंद संचार प्रेम मोहब्बत गीतों को प्रेमी जब भी सुनाते हैं शकल जगत को ढेर परे जीवन के सपने बुनते हैं क्या यहाँ पर गीत एक हमारे सपने को लेकर आता है प्रेमी पेरी, प्रेमी और प्रेम जो मोहब्बत गीतों की आपने यहाँ पे बात की क्या वो गाने उस जोड़ी को लेकर आते हैं या जोड़ी उन गानों को लेकर मतलब एक मनुष्य को लेकर गीत बनाए जाते हैं शायर कभी की जो दृष्टि होती है वो आम से अलग होती है आप ऊर्जाई फूल को देखते हैं खिले हुए फूल को देखते हैं सोबे की शबनम देखते हैं या हम सावन की बदली को देखते हैं तो जो कवि है वो शायर जो है उसकी अपनी एक संवेदना है वो संवेदना के रूप में उसे एक उपमा दे करके उसके रूप वो अलग से ही उसका रूप बना देता है बदल देता है। बदल देता है तो ऐसे हम कह सकते हैं कि आ, बालों के बारे में हम कह सकते हैं कि किसी सुंदरी की आ, को कभी उनके बालों को लंबे लंबे बालों को देखता है तो वो उसकी एक कल्पना करता है कि साबन के बदले के जात इसकी मैं एक दो लाइनें में आपको सुनाऊंगा मैं जी। काली जुल्फे साबन बदली खूब हवा इन्हें लहरा क्या बात है काली जुल्फे साबन बदली खूब हवा इन्हें लहरा जो भी देखे वो जाए घायल ऐसे फनीयर नाग बना <laughs> काली जुल्फें सावन बदली खूब हवा उन्हें लहरा जो भी देखे वो जाए घायल ऐसे फनी नाग बना खड़ी घटाएं धरती देख यो एक सुंदरी के बाल हैं मैं उसकी बात कर रहा हूँ कि खड़ी घटाएं धरती देख ना बाली शर्मा ना बाली जाए शर्मा कोई सपेरा जान खेल कर कील पटारी आ ले जा नाच उठेरी मन मयूर <laughs> नाच उठेरी मन मयूर अंधेरा गना फैला दो ना रिजुल्फ अपनी लहरा दो बहुत अच्छे बहुत ही सुंदर मतलब अगर हम कहें कि एक औरत की सुंदरता को लेकर बहुत सारी चीजें हाँ, हम बयां कर सकते हाँ, हैं मतलब हम उस औरत को एक प्रकृति के रूप में देख सकते हैं जैसे आपने पीछे एक चांद की बात की और एक दीवे में भी आपने दीप यात्रा में भी उस औरत की की ही बात की। तो क्या आपकी हर कविताओं में औरत शामिल है ऐसा है क्योंकि जहां तक मैंने देखा आपने नारी को बहुत ऊंचा सम्मान देते आ रहे हैं इस इन कविताओं के हिसाब से मैं देख रही हूँ तो कवि सरस्वती ने हर कवि को हर शायर को अलग अलग भाव दिए हैं मैं प्रकृति का उपासक हूँ और नारी की के लक्ष्मी रूप को बंदनी समझता हूँ और उसका रूप का भी मैं उपासक हूँ उसका रूप मैं जैसे चकोर एक त्रशत होता है वैसे मैं नारी के रूप वाई मैं रसक हूँ मैं <laughs> जी तो नारी जहाँ पे मनमोहनी है वो कई रूपों में है वो माँ के रूप में है पत्नी के रूप में है, बहन के रूप में है प्रेसी के रूप में है वो उसके कई कई रूप हैं किंतु जो दृष्टि है या जो जगह है जो स्थान है वो अलग अलग है उनको उस तरह से उनको उसने देखना है जी। और कवि या साहित्यकार या गजलकार ये संसार की पीड़ाओं का जो दर्द है किसी की कहानी का जो दर्द है उसे पी करके उसे रिफाइंड करके संशोधित करके तो फिर अपनी रचना को वो उनके आगे दुनिया के आगे रखता है, करता है रखता और प्रकृति उसकी उसका मन बहलाप करती है वो प्रकृति को देखता है ये पेड़ पौधे और विशेष करके जो अच्छे लेखक हैं साहित्यकार हैं जैसे महादेवी वर्मा में कह सकता हूँ जी, जी, सुमितानंद पंत है ऐसे जो अच्छे अच्छे लेखक हुए हैं कवि हुए हैं वो पहाड़ों में चले जाते थे वो जहाँ वहां पर रहते थे अपनी रचनाएं वो उनके माध्यम से करते थे उनकी उपमाएं देते थे वो तो प्रकृति जो है ये ये कवियों का साहित्यकारों की एक मन मन बहलाव की एक वस्तु है उनका इलाज है जो उनके दर्द का इलाज करती है <laughs> <laughs> चलिए आगे बात करते हैं प्यार दर्द जो मीठा मीठा बिहरी को तड़पाता है मन अंबर बदलती मन अंबर बदली बरसती है नीर नयन भर आता है प्रेम कहानी और प्यार के रिकॉर्ड जब भी बसते हैं युवक युवतियों के हृदय इश्क मचलने लगते हैं। यहाँ पे ये शब्द आपने जो लिया युवक युवतियों के हृदय इश्क मचलने लगते हैं किशोरा में युवक और युवतियां एक दूसरे के ऊपर उनका आकर्षित होता है जो कुदरत का एक नियम है कि उस समय अडेलोसेंटेज होती है किशोरावस्था होती है तो उनका एक आकर्षण है जो कुदरत का एक निजम है कि आकर्षण जैसे मैंने पहले एक दिन कहा था एक एपिसोड में कि ब्रह्मा जी ने जब रचना की तो किसी का एक दूसरे एक की तरफ कोई आकर्षित भाव नहीं था, नहीं था ना भवरों का कलियों की तरफ फूलों की तरफ था ना को प्रकृति की ओर कोई खास नज़र से देख रहा था ना को कलम उठ रही थी एक ऐसा भाव था अनासक्त सा कि उसे देख करके के ब्रह्मा जी का मन उदास हुआ तो उदासी में देख करके माँ सरस्वती ने पूछा कि हे पति देव क्या बात है आप उदास हैं तो ब्रह्मा जी बोले कि मैंने इतनी लगन यतन से ये सृष्टि मैंने बनाई है ये सब चीज़ें मैंने तैयार की हैं किंतु जो नर और नारी है इनमें आपस में कोई बात ही नहीं है जो मैं चाहता था कि संसार एक उलस तरंगत ये बने और इनमें एक नए नए भाव पैदा हो जिस सृष्टि का संचार हो ये कैसे होगा वो तो कह आप क्यों चिंता करते हैं इसका इलाज मैं देती इसका हाँ मुझे इसमें सहायता करो तो कहते हैं कि उसने सरस्वती माँ ने वीणा वादन किया अच्छा। तो जैसे ही वीणा वादन किया तो आपस में एक आकर्षक जो आकर्षण था वो एक दूसरे के प्रति स्त्री और पुरुष का जुबा जुप्तियों का भमरों का आ, फूलों के प्रति कलियों के प्रति ये भाव जो उठने लगे थे और वहीं से ही जो कवि लोग थे उनके कलम में जो ताकत नहीं लेके पे कुछ अक्षर जो थे वो जैसा देखते उस पर लिखने शुरू हुए तो क्या ये जो हम गीत लिखते हैं इनके सुर ताल बनाने के लिए हमको अलग से समय एकांत या कहीं हाँ। कुछ मतलब इसके इसमें ऐसी क्या चीज़ है जो बहुत ही सोच समझ के सुरताल समय जैसे कोई कहता है कि हमें सुबह के समय ये गीत गाना चाहिए रात्रि के समय ये गीत गाना चाहिए या दिन के समय या बरसात हो या कोई भी ऐसी ऋतु हो उसमें ये गीत गाना चाहिए तो क्या कविताओं को इनके साथ कंपेयर कर सकते हैं कि इनका भी ऐसा ही है ऐसा है के शायर का कवि का एक अपना एक मूड है एक भाव है जैसे वो जागृत होता है वो करता है लिखने में वो जैसा कैसा ले गया उसके ऊपर फिर उससे काफी मेहनत करनी पड़ती है अच्छा लोग सोते हैं और और कभी जाते हैं कई हमें पूछते हैं कि आप लिखते कब हो जी उपन्यास कब लिखते हो कहानी कब लिखते हो कविताएं हाँ, का मतलब उसका कोई एक समय निश्चित हाँ, है क्या तो हम उसे कहते हैं काम एकांत एक में लिखते हैं इसे जब दुनिया सोती है आराम करती है उस समय उसे उस समय लिखते हैं उस समय ऐसा क्या मतलब उस... आपके जो आपने सारा दिन जो एक दिनचर्या की हाँ, वो सारा दिन का जो आपने देख दृश्य देखा हाँ, कि हाँ ऐसा हुआ ऐसा हुआ ये हो रहा है ऐसा हो रहा है वो सब देखकर आप एक कविताएं बनाते प्रकृति दो समय शांत होती है एक संध्या समय और एक ब्रह्म बेला में ये एक साधना है साहित्य साधना काव्य साधना ये एक साधना है जैसे ईश्वरीय साधना के लिए हमें कांत चाहिए हमें ब्रह्म बेला चाहिए माहौल शांत चाहिए ऐसे ही एक कवि के लिए एक शायर के लिए एक साहित्यकार के लिए भी एक शांत माहौल चाहिए वो सही महीने में तो किसी अलग अलग अपनी हर राइटर की हर कवि की हर शायर की हर कर की अपनी अपनी एक वृत्ति है एक प्रकृति है कि वो कैसे माहौल में कैसा लिख सकता है मेरी जो अपनी जो अपनी मेरी प्रकृति है लिखने की मैं ज़्यादातर मैं सुबह या शाम को लिखता हूँ मैं अच्छा। दोपहर के समय मेरा सुनने का मेरा मैं गीत सुनता हूँ जो मेरे मन भावन गीत होते हैं लता के या मोहम्मद रफ़ी के या सैगल के मैं इन गीतों को सुनता हूँ मैं जो पुराने गीत हैं मुझे बड़े अच्छे लगते हैं तो ये गज़ल क्या चीज़ है गजल मन चाहता है कि मैं भी लिखूं किंतु मेरे पास इतनी विधाएँ हैं कि जैसे उपन्यास हैं मेरी कविताएँ हैं कहानी है और यात्रा संस्मरण हैं तो उनसे मैं मैं समय नहीं निकाल पाता को उसमें कुछ निजम हैं जो आदमी को पढ़ने होते हैं और उन निजमों रख करके फिर गजल को लिखा जाता है तो मैं कोशिश करता हूँ कि मुझे कभी समय मिले और मैं भी गजल लिखना मैं पसंद मुझे गजल लिखनी पसंद है किंतु उनसे मेरा टाइम नहीं निकल पाता चाहता मैं भी हूँ कि मैं गजल लिखू कुछ लोग ऐसा बोलते हैं कि हमें गजल बहुत पसंद है हाँ लेकिन ना तो हम लिख पाते हाँ। ना हम बोल पाते ना हम, बोल ना हम पाते। सोच भी पाते मतलब गजल को सोचने के लिए इतना आ, वो शब्द चुन-चुन के उसमें, क्योंकि उसमें हिंदी शब्द यूज नहीं होते हैं। है नहीं, उसमें तक, सारा उर्दू है उसमें उर्दू है उर्दू के शब्द जो है ना और जो अमीर खुसरो से ये जो उर्दू है अमीर खुसरो से शुरू हुआ जो अच्छा हाँ ये अमीर खुसरो मुसलमान से आप मुसलमान था मुसलमान जो उर्दू जो है शुरू किया था उसमें जैसा जैसा समा आता गया वैसे वैसे हुक्मरानों ने जैसी वो आ, किसी भाषा को अच्छा समझते थे वैसा उन्होंने लागू करने की कोशिश की जैसे मुगल काल आए मुगल काल आया तो उन्होंने अरबी उसने उर्दू फारसी चलाई जी और जब हिंदुस्तान आजाद हुआ जब आजादी की बात चली तो उन्होंने कहा काम हिंदी है हमें हिंदी को सीखना चाहिए तो और हिंदी जो देवनागरी में लिखी जाती है और जो हमारी राष्ट्रभाषा भी है जे, हिंदी हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा भी है तो गजल जो है वो हम देवना देवनागरी लिपि में तो लिख सकते हैं किंतु हिंदी के शब्दों में गजल नहीं हो सकती वो में ही चलेगी उसका। उसमें काफी है जिनको मैंने अपने हाँ। 10th standard, 12th standard में, मैंने सुनी हाँ। उस टाइम की गजलें कुछ बहुत आजकल भी है ऐसा हाँ, नहीं है हाँ, हाँ, हाँ। लेकिन उस टाइम बहुत पुरानी पुरानी गजलें चलती थी तो वो सुनी थी मैंने लेकिन बहुत कठिन शब्द उसमें यूज होते शब्दे हैं उसमें है ही सारा उर्दू है जी जी और उर्दू के बीच में आकर के अरबी आ गई है फारसी आ गई है तो उन शब्दों को याद रखना पड़ता है कि इसका अर्थ क्या है तो हिंदी तो सीधी सीधी है कविताएं लिखने हिंदी में कोई मुश्किल नहीं है और जो गजल लिखने में हमें पहला उर्दू सीखना पड़ेगा शब्दों की जान पहचान करनी पड़ेगी ये उसमें थोड़ी मुश्किल है जरा बहुत अच्छा आगे आपने आ, कहा आजादी के परवानों के जब गीत गाए जाते हैं धन्य मार के धन्य माँ के वीर सपूत लोग भाव विभोर हो जाते हैं भारत माँ की रक्षा हेतु जो वीर अनेक शहीद हो गए माँ बहने और बच्चे हैं जिनके बिना अनाथ हो गए शहीद शौर्य गाथा स्वर कानों में जब पढ़ते हैं अश्र मुक्ता आंखों डुलिस का युद्ध हुआ जी तो भारत उसमें हारा चीन ऐसा देश था जिसने हमारे पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने पंचशील बनाया उसमें पांच निजम थे पांचों में एक ये भी था कि जो इसे अपनाएगा वो किसी दूसरे मुल्क के ऊपर हमला नहीं करेगा उसे हमने हिंदी चीनी भाई भाई, भाई कहा और उसने एक हमारे भारत के एक भूखंड के ऊपर दृष्टि जमाई कि मैंने इसके ऊपर कब्जा करना है और उसने बिना किसी हमारी तैयारी के या सूचना के उसने हमला कर दिया जवाहरलाल नेहरू चीन को अपना बहुत ज्यादा एक विश्व साथी मानते थे दोस्त मानते थे पड़ोसी मानते थे। तो नेहरू जी को बड़ी पीड़ा हुई चलो अमेरिका ने दूसरे देशों ने इस बात की वरसना की कि चाइना को ऐसा नहीं करना चाहिए था ये बुरी बात है किंतु कहा उन्हें नपे तुले शब्दों में ही कहा क्योंकि यहां कहीं भी भारत को बुलाया जाता तो ये चाइना की पीठ के पीछे रहते थे हमारे नेतागण चीन को ज्यादा महत्व देते दूसरे देशों को जो महत्व नहीं देते थे so, इसलिए किसी ने उस समय सहायता करने की जरूरत नहीं समझी तो जब युद्ध चीन ने ही समाप्त किया लद्दाख का काफी एरिया इसने और एक बुबा अक्साई चिन का बीस ने अपने कब्जे में कर रखा है जो पचुंजा सौ किलोम बर किलोमीटर है अच्छा तो उस समय एक ऐसा गीत चाहिए था जो सैनिकों के ऊपर था और उसके उसमें प्रधानगी जो थी जवाहरलाल नेहरू ने करनी थी तो अब ऐसा गीत तैयार कौन करे प्रदीप शर्मा ने एक गीत लिखा कि ए मेरे वतन के लोगों लोगो आंख में भर लो पानी जो, जो शहीद, शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो करवानी। तो उन स्वरों को लता ने अपने स्वरों में पिरोया और संगीत जी वो गाना बहुत अच्छा है कोई भी उस गाने को सुनता है तो हाँ। आंख में पानी आ ही जाता है तो उसमें जब वीरों की शौर्य गाथा को गाया गया और अलग अलग प्रदेशों के नाम लिए गए कि वो बहने वो भाई वो दोस्त जो शहीद हो गए उनके सारे जो पीछे थे वो सारे ही उनसे महरूम हो जो हुए तो ऐसा कहते हैं कि जवाहर नेहरू जो थे वो स्टेज पे बैठे बैठे रोना शुरू हो गए इस गीत ने उनको इतना मार्मिक किया कि मेरी छोटी सी गलती के ऊपर एक विश्वास के ऊपर चाइना लात मारी और आज मेरे देश के इतने जो वीर हैं वो शहीद हो गए जो कभी दोबारा अपने माँ बाप को अपने बच्चों को पत्नी को रिश्तेदारों को यारों दोस्तों को नहीं मिल पाएंगे तो जो गीतों में ऐसी कॉमन तो जो शब्द, जो शब्द दिखने वाले, साधारण शब्द ये वही जादू ऐसा करते हैं कि माहौल को बदल करके रखते हैं इंसान को आंसू बहाने के ऊपर मजबूर कर कोई ऐसा पुराना गीत जो आपको याद हो आप गाकर सुनाएं मैं वतन के लिए मुझे इस समय कोई ऐसा याद आ नहीं रहा किंतु हाँ मीरा का आप कहेंगी तो मैं आपको थोड़ा सा मैं दो लाइने में सुना देता हूँ है मैं तो प्रेम दीवानी मेरा दर्द न जाने को प्रभु मैं तो प्रेम दीवानी मेरा दर्द न जाने को गगन मंडल पे सेज पिया की गगन मंडल पे सेज पिया की किस विद मिलना हो है में मैं तो प्रेम दीवानी मेरा दर्द न जाने को घायल की गति घायल जाने घायल की गति घायल जाने वैद न मिले आ को हैरी मैं तो प्रेम दीवानी मेरा दर्द न जाने को प्रभु मैं तो प्रेम दीवानी मेरा दर्द न जाने को क्या बात है बहुत अच्छा बहुत ही प्यारा मतलब आप गाते भी हैं ये एक जो मूल्य चीज आपके अंदर छुपी हुई है ये आप कब बाहर निकालेंगे <laughs> मैं एक बात आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि मेरी माँ कृष्ण की उपासक थी बड़ी बोली वाली थी जी। उसे ये पता नहीं होता कि पचास का नोट कौन है और सौ का क्या है तो वो कृष्ण को अपना इष्ट मानती थी उसके भजन गाती थी मैं सुनता था तो उसी से मां से मुझे जब वो चक्की पीसती तो चक्की पीसती ही वो गाती तो उसके जो शब्द थे मुझे बड़े अच्छे लगे तो मां से ही मुझे कृष्ण का प्यार मिला मुझे वो लगन मिली मैं आज तक मेरा अगर कोई इष्ट है तो कृष्ण है मैं कृष्ण को अपना इष्ट मानता हमारी हाँ, भी यही बात है हाँ। मैं भी बचपन से लेके अभी तक समय तक यही है कि हाँ। कृष्ण को मानती आई हूँ लेकिन हाँ इतना जरूर है कि हम याद शिव को करते हैं। हाँ नहीं वो ठीक है जी किंतु एक बात आपको जरूर याद होनी चाहिए जी कि शिव से ही ये सारे रूप बाहर आते हैं जी, जी। और शिव में ही समा, जाते है। समा जाते हैं बहुत अच्छा इसमें कोई दोहराई नहीं नहीं, नहीं 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 बिल्कुल <laughs> कि उसी से जे पैगंबर निकलते हैं अपना पार्ट अदा करते हैं और फिर उसी में जाकर के समाज चाहे राम है चाहे कृष्ण है चाहे बुद्ध है चाहे कोई भी है जी 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 जी, जी। यशपाल शर्मा जी आपकी एक गीतकार और गायक की जो कविता है मुझे लगता है इसको यहीं पर ही अभी आधा अधूरा हमें छोड़ना पड़ेगा क्योंकि समय अब हमें इजाजत नहीं देता है लेकिन आपने गीतकार और गायक के बारे में एक बहुत अच्छी बात की कि हम कोई भी चीज करते हैं हाँ। हमें अकेलापन होना चाहिए बिल्कुल कि अकेलापन है तभी हम अपने जीवन की कुछ चीजों को लिख सकते हैं साधना है। है। बहुत, बहुत, है है। बहुत बड़ी साधना है। हाँ। है। मतलब कोई भी चीज हो अगर हम किसी को याद करते हैं तो अकेलेपन में उसकी याद आती है कोई भी चीज हमें आगे बढ़ना हो तो जैसे हम स्टडी की बात कर ले हम वो भी हम अकेले में ही मतलब कोई भी चीज हो हमें अकेले में रहना ही बेहतर है अगर साधना करनी है तब भी तो अकेले में बैठना होगा एकांत एक हमें चाहिए तभी हम साधना कर पाएंगे और किसी लक्ष्य तक पहुंच पाएंगे जी 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 आप हमारे इस कार्यक्रम में आए आपका बहुत बहुत आपका बहुत बहुत धन्यवाद आपने मुझे बुलाया मित्रों गीतकार और गायक की इस कविता में मुझे एक चीज स्पष्ट हो गई है मुझे लगता है कि आपको भी स्पष्ट हुई है और ये कविता भी आधी अधूरी है। अगले एपिसोड में इसको पूरा करेंगे। उसके बाद ही इस कविता का भावपूर्ण मैं आपको बताऊंगी अगली कड़ी में नई कविता के साथ नहीं इसी कविता के साथ आपके समक्ष हाजिर होंगे तब तक के लिए दीजिए इजाजत नमस्कार ओम शांति ओम शांति धन्यवाद